हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनिता स्मिकर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको डायमंड फेशियल करके दिखाऊंगी अरोमा मैजिक का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये फेशियल किट है, डायमंड ग्लो फेशियल है ये, और ये अरोमा मैजिक का है, ब्लॉसम कोचर। इसमें 6 स्टेप दे रखे हैं, ये पाउचेस में आते हैं। तो पहला स्टेप है क्लिंजिंग, सेकंड एक्सफोलिएट जेल है, और इसके बाद सीरम लगाना है। सीरम के बाद है मसाज क्रीम, जेल बेस में है ये भी। और 5 स्टेप में 2 स्टेप है, 2 पैक है इसमें, एक पैक है और एक मास्क है। जेल बेस में ये पैक है और एक ये मास्क है। और 6वां स्टेप है ये सनस्क्रीन। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्लिंजिंग जेल। फेस को अच्छे से हम क्लीन करेंगे। ये मैंने पानी ले लिया बाउल में, कॉटन ले लिया। तो ये सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और फेस को अच्छे से हम डीप क्लीन करेंगे। हल्की हल्की मसाज से करके और बीच में थोड़ा थोड़ा सा पानी टच करना है। प्रोडक्ट जो है वो स्किन के अंदर जानी चाहिए, तभी फेस क्लीन होगा हमारा। जब भी आप फेशियल करो तो अच्छे से उसको क्लीन जरूर करना है फेस को। अगर ड्राई लग रहा है तो पानी जरूर टच करना है हल्का हल्का। ये मैंने क्लींजिंग कर ली है और ये भी जेल बेस में ही था। ये सारे पूरा फेशियल ही जेल बेस में है, तो कॉम्बिनेशन स्किन में के लिए है ये, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। सेकंड मैं यूज़ कर रही हूँ ये एक्सफोलिएटिंग जेल। इसमें स्क्रब के पार्टिकल्स नहीं हैं, नॉर्मल जेल की तरह ही है ये। तो अगर आप चाहें तो अलग से स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक दो दिन पहले ही स्क्रब यूज़ किया हुआ था तो इसलिए मैंने नहीं किया है। और अगर आप ब्लीच करने की बात कर रहे हो तब भी आपको स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो नोज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे, इस एरिया पे थोड़ा ज़्यादा करेंगे हम, और इसको इसके बाद हम क्लीन कर देंगे। जो भी प्रोडक्ट हम लगाएंगे अच्छे से क्लीन करेंगे। जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है वो ये फेशियल ना करें, नहीं तो हो सकता है ड्राई हो जाए। कि कॉम्बिनेशन स्किन के लिए और ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, बेस्ट है। तो ड्राई करने के बाद मैंने टिश्यू से, और अब मैं ब्लैक हेयर रिमूव कर रही हूँ। तो जो इजी निकल जाए वही निकालना है हमने, ज़्यादा प्रेस नहीं करना नहीं तो निशान पड़ सकते हैं। ये मेरा क्लीन हो गया है ब्लैक हेड, और अब मैं लगा रही हूँ सीरम। ये है 3रा स्टेप। सीरम को लगा के अच्छे से और हल्की सी मसाज से करके हमने इसको छोड़ देना है। 2 मिनट छोड़ने के बाद अब इसको अगला स्टेप कर सकते हैं। थोड़ी सी मसाज करके फिर छोड़ना है इसको, ताकि स्किन में ऑब्जर्व हो जाए। आप देख रहे कितना अच्छा ग्लो आया है। और अब 4th स्टेप करूँगी मैं, ये क्रीम से मसाज करूँगी। क्रीम भी थोड़ी सी जेली जेली सी है, बहुत थिक क्रीम नहीं है इसकी। तो 10-15 मिनट मसाज करनी है, और अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो फिर 10 मिनट ही कर लीजिए। किसी क्लाइंट के कर रहे हैं तो 15-20 मिनट ज़रूर कीजिए मसाज। ये मैंने सेल्फ करके दिखाया है कि जैसे आप कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं खुद से। और नेक पर हमने ऊपर की साइड मसाज करना है। कभी भी हमने उल्टी डायरेक्शन में मसाज नहीं करना, नीचे के साइड, हमेशा अपर साइड पे ही मसाज करनी है, जिस तरह से आप देख रहे हैं। और कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपकी क्यूरीज हो तो आप कमेंट्स पे जरूर कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में। और मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस हैं वैक्सिंग फेशियल की, थ्रेडिंग की,
और हेयर स्टाइल्स की, मेकअप की, तो वो सारी वीडियो मेरी देख सकते हैं। मेकअप क्लास की भी है मेरी, लास्ट मैंने 10 डेज में बता रखा है कि मेकअप कैसे करना है, सारे स्टेप मैंने बता रखा है, तो आप वो कर सकते हैं, देख सकते हैं। आईब्रो के पास आई बॉल पे इस तरह से हम मसाज करेंगे और आईब्रो के पास प्रेशर पॉइंट देंगे। बीच में आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको ड्राई लग रहा है तो हल्का सा रोज़ वाटर लेके आप मसाज कर सकते हैं। तो ये मेरी मसाज होगी और पांचवा स्टेप में ये जेल बेस में पैक है, ये लगाऊंगी, इसको बस जस्ट अप्लाई करना है और 10 मिनट रखना है इसको। पांचवे स्टेप में मैंने जैसे बताया था कि 2 स्टेप हैं इसमें, 2 पैक हैं, और अब मैं 10 मिनट बाद इसको क्लीन करके हल्के से मसाज करके क्लीन करूँगी और फिर इसको रिमूव करूँगी। तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वनिता स्वीकर से मेरा पेज है वहाँ पर, तो वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह से फिर इसके बाद मैंने कॉटन से क्लीन कर दिया है, एक्स्ट्रा जो भी है वो क्लीन कर दो आप। तो फिर देखो आप कितना ग्लो कर रहा है मेरा। और अब मैं ये लगाऊंगी शीट मास्क, ये इस तरह से आते हैं और इसको हम, ये बिल्कुल ड्राई है, इसको पानी में डिप करके फिर इसको निचोड़ना है अच्छे से, फिर ये गीला हो जाएगा क्योंकि ड्राई तो ऐसे लगेगा नहीं। और जिस साइड डायमंड बनाया है इस साइड ही हम लगाएंगे, आपने उल्टे साइड नहीं लगाना। इस तरह से लगा के इसको 10 to 15 मिनट रख सकते हैं आप, 10 से 15 मिनट। और अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, तो इसमें जो डायमंड के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े थोड़े स्किन पे लग जाते हैं और देखो ग्लो कितना अच्छा आ रहा है। और अब 6वां स्टेप करूँगी, लास्ट है ये सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अगर आप धूप में जा रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर नाइट में फेशियल कर रहे हैं फिर तो स्किप कर सकते हैं। और सनस्क्रीन लगा के अच्छे से हमने इसको ऑब्जर्व कर देना स्किन में। स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाता है, स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई मेरी, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, काफ़ी अच्छा फेशियल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स को और मेरी और भी वीडियो देखिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।